नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 24 अप्रैल और समय हो गया आज का करंट अफेयर्स का। बता दें दोस्तों कि आपको रोजाना हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का सेशन दिया जाता है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे ही शामिल किया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, इसमें हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले SSC CGL, रेलवे LP टेक्नीशियन ग्रुप डी और उसके साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे बता दें कि डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना होगा, जिससे आप तक सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप देख पाओ। और पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसे चूज करें और सारा वीडियो आप देख पाएंगे। और जब आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और कोई सुझाव हो जिससे कि हम इस सेशन को और अच्छी तरह से आप सभी के लिए लेकर आएँ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का क्या नाम था, जिनका हाल ही में 117 साल की उम्र में जापान में निधन हो गया है? तो इसके लिए ऑप्शन है नबी ताजिमा, हमीला काजिम, रुखसार बानो या हिमारी अकीतो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नबी ताजिमा। और आप देख रहे हैं नबी ताजिमा यही हैं और इनकी 117 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और जो इनका उम्र है 117 साल 261 दिन की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये जापान की रहने वाली महिला थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जो जापान का कैपिटल है वो है टोक्यो। और जो इसके साथ जो आपको और जाननी चाहिए, वो यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शिंजो एबे। ठीक है, शिंजो एबे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है यानी प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 100 मिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, TCS या फिर महिंद्रा ग्रुप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है यानी TCS है, तो इसका सही जवाब जो होगा TCS होगा। तो दोस्तों TCS जो है ये 1968 में फाउंड किया गया था JRD टाटा के द्वारा। और अभी जो चेयरमैन जो है वो है नटराजन चंद्रशेखरन और जो MD और CEO हैं वो हैं राजेश गोपीनाथन। ठीक है, और आपको बता दें जो TCS का जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, IIT के पूर्व 50 छात्रों द्वारा हाल ही में बनाई गई राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? अनुसूचित जन पार्टी, बहुजन आजाद पार्टी, विश्व बहुजन पार्टी या फिर भारतीय हरजन पार्टी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बहुजन आजाद पार्टी यानी बाप पार्टी। IIT के 50 पूर्व छात्रों ने एक समूह के द्वारा SC ST और OBC वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी नौकरियां छोड़कर बहुजन आजाद पार्टी यानी बाप नामक राजनीतिक पार्टी बनाई है। और इन्हें अभी चुनाव आयोग तरफ से सिंबल और मान्यता मिलना बाकी है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा कहा गया कि यदि चीन की ओर से तिब्बत की संस्कृति को विशिष्ट पहचान और सम्मान मिले तब वे चीन के साथ रह सकते हैं? ऑप्शन है सी जिनपिंग, दलाई लामा, मनमोहन सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दलाई लामा, ऑप्शन बी। और आप देख रहे हैं दलाई लामा, आपको बता दिए तो दलाई लामा जो है अभी 14वें दलाई लामा है और इनका जो नाम है वो है लम्हो कोन दुबे। और इनकी जो जन्म हुई है वो हुई है 6 जुलाई 1935 को। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं, दलितों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने हेतु राहुल गांधी द्वारा आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? संविधान बचाओ अभियान, दलित जगाओ अभियान, राष्ट्रीय चेतना अभियान और जन चेतना अभियान। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, संविधान बचाओ अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद है संविधान और दलितों पर कथित हमलों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। अगर इसमें राजनीति नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, और राजनीति अगर होती है तो फिर लोगों का किसी का भी इसमें भला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर करने के लिए हाल ही में सरकार ने किस अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, संकल्प अभियान, ग्राम स्वराज अभियान या फिर पंचायत पुनर्गठन अभियान। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, वह होगा ग्राम स्वराज अभियान, ऑप्शन सी। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गांव के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दी है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे
इसकी शुभारंभ हुई है और इसकी शुरुआत जो हुई है 14 अप्रैल से हुई है और 5 मई तक चलेगा। और बता दें इसका जो इस बार का थीम था वो है सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये चलेगा 1/4/2018 से लेकर 31/3/2022 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर मौजूद सैनिक स्कूल ने पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति दी है? देहरादून, औरंगाबाद, गांधीनगर या फिर लखनऊ? तो ऐसा किया गया है ऑप्शन डी लखनऊ के द्वारा। लखनऊ के सैनिक स्कूल ने पहल करते हुए लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की है और इस वर्ष आरंभ हो रहे सत्र के लिए 15 लड़कियों का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह अपने 1.5 अरब यूजर का डेटाबेस अपने आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका भेजेगी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर गूगल प्लस? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फेसबुक। आपको बता दें कि फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया कंपनी है और इसने कहा है कि 1.5 अरब यूजर्स का जो डेटाबेस है वो अपने आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका भेजेगी। और जो फेसबुक है इसके जो सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है और ये जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने शरणार्थी नियमों को कड़ा करने वाले नए आवर्जन बिल को पारित कर दिया है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि हमने पिक आपको दिया है, यहाँ आपको पता चल गया कि जो सही जवाब होगा वो होगा फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने शरणार्थी नियम को कड़ा करने वाले नए आवर्जन बिल को पारित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो फ्रांस है, फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमैनुअल मैक्रोन और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ड्यूआर्ड फिलिपी और वहाँ का जो कैपिटल है फ्रांस का वो क्या है, पेरिस है और करेंसी जो है यूरो है। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निजी क्षेत्र के किस भारतीय बैंक को हाल ही में आरबीआई ने लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है? आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बंधन बैंक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको पिक दिख रहा है, यस बैंक। आपको बता दें जो यस बैंक है यह हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है और इसके सीईओ जो हैं और फाउंडर जो हैं वो हैं राणा कपूर और ये जो बैंक है 2004 में अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, रेलवे ने टिकट बुक कराने पर कितने प्रतिशत छूट की ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब जो क्या होगा उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 20, 15 या 25%। तो इसका सही जवाब है 10%। टूर पैकेज के तहत यात्रा करने पर रेलवे ने यात्रियों को वैट में 10% की छूट देने का फैसला किया है और इसके द्वारा आईआरसीटीसी पर्यटकों को सस्ती दर पर टूर पैकेज उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, इनमें से किस एयरलाइन कंपनी को हर महीने 250 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है? इंडिगो एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइन, एयर इंडिया या फिर फ्रैंकली? तो इसका सही जवाब जो क्या होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोगो है एयर इंडिया का है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एयर इंडिया। देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को हर महीने 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और इस घाटे की वजह से एयर इंडिया को सारे विमानों का रख रखाव करने में दिक्कत हो रही है। और आपको बता दें एयर इंडिया जो है उसके सीईओ जो हैं वो है प्रदीप सिंह खोलरा और इसका स्लोगन जो है एयर इंडिया ट्रूली इंडिया। ठीक है, और जो अभी तकरीबन जो एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या तकरीबन है 20,956। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की करंट अफेयर्स। अब बारी आती है जो कि मैं पिछले सेशन से आपसे दो प्रश्न जो पूछता हूँ उस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीसीएस कितने बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, किसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2018-19 में और तेज़ी से आगे बढ़ेगी? तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और आपको बता दें इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए आपको वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे बता दें कि हमारे चैनल पर रोजाना आपको दोपहर में 2 बजे और रात्रि 10:30 बजे लाइव सेशन होता है जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सब डिस्कस करते हैं, तो आप सभी उसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।